नंबर मुझे नहीं कह रहा कि 20 करूं या 30 करूं, लेकिन कुछ बटेर गिव अवे कर देते हैं किसी ना किसी के साथ। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि भाई क्या नंबर बनेगा, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में आई जाने। इसी तरीके से इसका जो ताज है ना, ताज भी हल्का सा इफेक्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ इसकी ये देख रहे हैं यहाँ पर भी एक निशान है। तो ओवरऑल जो है ना, इसको फिर बुखार भी है। तो एक साहब ने मशवरा दिया था कि भाई इनको आप ये घर के जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इनको भी बचा कुचा खिलाओ, ज़रा हटो ज़रा जगह देखने दो हमें, इनको ज़रा घर की जो सब्ज़ियाँ होती हैं बची कुची वो भी इनको डाल दिया करो उनके छिलके भी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड आज की दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने मसलों ज़िंदगियों में चल रहे होंगे। खैर तो भाई आज की जो वीडियो है ना, इसमें अगेन कुछ मसले थे जो सॉल्व करने थे, और शायद वीडियो का टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई क्या मसला था, क्या चीज़ है। तो मैंने कहा पहले ज़रा इनको दाना वाना, इनको रूसन वूसन डाल दें, इनका हिसाब किताब कर दें, और उसके बाद चलेंगे वो अपनी मुर्गियों के पास, क्योंकि मसला जो है ना सारा का सारा वहाँ पर है। अच्छा जी, तो यार मसला सारा यहाँ आता है कि ये जो आप बर्ड्स देख रहे हो ना मेरे पास, इनमें हल्का सा एक इफ़ेक्ट आ रहा है, और ये खाली मेरे पास नहीं, ये सबके पास आ रहा है, पूरे के पूरे कराची पंजाब जहाँ जहाँ हमारे आसपास के एरिया हैं, जो जो लोग मुझे कॉन्टेक्ट में है ना, सबको दिखेगा ये। और ये अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आपको दिखाता हूँ ये मसला है क्या असल में। रुक जाओ एक मिनट, देखा मैं डाटा डाट गया। अच्छा ये देखें, ये जो मसला चल रहा है ना अभी, वो चल रहा है कि इसका आप कलगी देखें, इस पर एक हल्का सा निशान है, ठीक है। इसी तरह इसकी सेम इस कलगी पे भी निशान है। इसी तरीके से इसका जो ताज है ना, ताज भी हल्का सा इफ़ेक्ट हो रहा है, और उसके साथ साथ इसकी ये देख रहे हैं यहाँ पर भी एक निशान है। तो ओवरऑल जो है ना, इसको फिर बुखार भी है, और ये थोड़ा सा जो है ना डाउन भी हो रहा है, बॉडी वेट भी इसने अपना जो है थोड़ा सा कम कर लिया है। तो उसका रीज़न ये है कि बेचारे में कमज़ोरी है, और ये कमज़ोरी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, क्योंकि ये जो है ना ये फाउल पॉक्स है, और फाउल पॉक्स जो होती है ना ये बर्ड्स में बड़ा ख़तरनाक इफेक्ट करती है। आप अच्छा खासा पीछे चले जाते हो, और बर्ड्स की जो ना मोर्टैलिटी शुरू हो जाती है अगर आप इसका सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं करो तो। अभी तो समझ लें शुरुआत है, तो अभी इंशाल्लाह ताला हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। मैंने कल की वेबसाइट वीडियो में आपको बताया था कि यार मुझे इसमें लग रहा है कि फाउल पॉक्स है, और कल ही इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो कल शाम हो गई थी, अगर कल दिन होता ना तो मैं समझ लें कल ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता। मैं आपको इसका एक केस और दिखाता हूँ। ये वाली मुर्गी आप देख रहे हैं सामने, इसके मुँह पर निशान है, इसने मुझे देख के छुपा लिया। इसके अलावा एक दो मुर्गियाँ मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके अलावा और भी मुर्गियाँ ऐसी मैं दिखाऊँ आपको जिस पर निशान हो। इसको देखें आप, इसके मुंह पे भी देखें निशान दिख रहा है आपको, इसके मुंह पे देखें निशान है ब्लैक कलर का। तो ये सारी की सारी जो ना फाउल पॉक्स का रीज़न है, और ये बर्ड्स के अंदर जो ना आ जाती है अक्सर इस मौसम में। खाली मेरे पास नहीं, ये सबके पास आती है। इसका ट्रीटमेंट अगर जल्दी ना किया जाए तो ये मसला बढ़ भी सकता है, और क्या कहते हैं उससे जो ना अलग अलग मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए भाई जल्दी से हमने कहा कि बजाय इस मसले को हम बढ़ाएँ, उसके बाद ट्रीटमेंट करें, इसको हम पहले ही शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं आपको एक दो केस और दिखा देता हूँ उसके पहले। ये देख रहे हैं आप, ये मुर्गा जो है ये बिल्कुल खूबसूरत किस्म का, फ्रेश किस्म का तैयार हो रहा है, लेकिन इसमें भी आपको हल्का हल्का सा दिखेगा। और इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ये सही होना शुरू हो गई है, यानी कि इस ताज पर आप देख रहे हैं अभी ये थोड़ी सी वो है, वाइट है, लेकिन इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा एक मिनट। ये देखें आप ज़रा एक मिनट यार, ये आपको दिख रही होगी ना ताज पर दो निशान है, अगर मैं उंगली ऊपर कर दूँगा ना तो हिल जाएगा, इसलिए मैं हिला नहीं रहा। एक ये निशान रहा और एक वो रहा ऊपर की तरफ निशान। तो इसमें भी तो ना अभी आ गई है ये, और वक्त के साथ साथ ये सारी से बातें बढ़ भी जाती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि इसका निशान नुकसान सबसे बड़ा पता है क्या होता है, बर्ड जो है ना आपका बैक पे चले जाता है, और बॉडी वेट जो आपने इतनी मेहनत से फीड खिला के उसको बड़ा किया है, वो सारा का सारा बॉडी वेट वापसी की तरफ हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेडिसिन मैं लाया हूँ, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई दफ़ा पहली दफ़ा आई हो, बहुत दफ़ा इससे पहले भी आ जाती है, हर साल इस सीज़न में आती है। एक बर्ड था जिसके मुंह पर अच्छे खासे निशान थे, उसने अपना मुंह छुपा लिया, इसको देख रहे हैं आप, इसके मुंह पे भी निशान है। तो हल्का फुल्का तो ना ये आ जाता है, खाली मेरे पास क्या सबके पास होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट यार हम लोगों ने नोट किया हुआ है ना, उसका ट्रीटमेंट यार ये रखा है हम लोगों ने कि बेसिकली ये मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, और एंटीपॉक्स के नाम से है ये बेसिकली। तो ये सेम उसी तरीके से यार इसमें होता है बर्ड्स में, जैसे कि इंसानों में पॉक्स निकल जाती है, सेम उस तरह निकलता है, और इंसानों को बुखार हो जाता है, बिल्कुल सेम वही सिम्टम्स होते हैं, और बस ढीला हो जाता है। और उस हिसाब से इनके अंदर नहीं आती है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन इनके अंदर ही आती है। और उसका जो ट्रीटमेंट है ना भाई, हर साल जब भी आती है, मैंने अपने कोर्स के अंदर भी ये बात बताई थी बहुत डिटेल में से, कि उसके लिए ये वाली मेडिसिन मुनासिब रहती है जो हमने बीमारी में बताया हुआ है, ये एंटीपॉक्स के नाम से, और पिछले तकरीबन समझ लें 4 साल से तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको, जब भी बीमारी आती है एक दफ़ा हम खरीद के लिए आते हैं। F12 नाम है, होम्योपैथिक मेडिसिन है ये, और कितने की मिल जाती है, 500-550 की मिल जाती है ये, अभी 500 ml का बॉक्स है ये। और इस पर जो डोज लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है इन्होंने 5 ml दवा 1 L पानी में, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा तकरीबन 3 ml में, 3 ml
पर लीटर के अंदर, क्योंकि उसका रीज़न सारा ये है कि उन्होंने लिखा हुआ है 3 से 5 दिन तक 4 से 6 घंटे रोज़ाना। मैं जो उसको दूंगा वो दूंगा तकरीबन समझ लें कि 24 घंटे दूंगा मैं उसको, 4-5 घंटे नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 24 घंटे उसको ये दूंगा। और उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं एज़ यूजल किसी ना किसी ऐसी एंटीबायोटिक का जो आप काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो। मैं जैसे कि यूज़ कर रहा हूँ भाई वो काफ़ी टाइम से ये वाली एम कॉलिन इसका नाम है। इसके अंदर आपको दिखेगा एमोक्सिलिन, एक मिनट रुके, इसके अंदर आपको एमोक्सिलिन ट्राईहाइड्रेट दिख रहा है, उसके अलावा कोलिस्टीन सल्फेट है और कैल्विनिक एसिड है, ये सारी चीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसका यार ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो अगर आपके पास भी खुदा ना करे इस तरह कोई इशू आए तो उसके लिए आप इससे ट्रीटमेंट कर सकते हो, काम चल जाता है। तो आज जो दिन है, आज फ्राइडे का दिन है और होपफुली मेरे हिसाब से शायद लास्ट फ्राइडे है ये 2023 का, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको जल्दी इस वीडियो में दिखाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द ही रिकवर हो जाएगा। 4 से 5 डेज़ के अंदर आप देखेगा ये ड्राई होगी और झड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका बस रीज़न यही होता है ना कि इसका जल्दी ट्रीटमेंट करें। तो जिन जिन भाइयों के पास आ रहा है भाई वो ये वाली मेडिसिन परचेज़ कर लें, कराची के अंदर आपको जगह जगह से मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा, आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी। बराए मेहरबानी व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट करेगा, कॉल नहीं करेगा, कॉल करेंगे मैं उठाऊंगा नहीं, तो वो करना बिल्कुल बेकार है, कॉल मोस्टली रह जाती है। तो व्हाट्सअप पे करें, हम अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि इसको डालना किस तरह है, यानी कि डोज मैंने आपको उसका बता दिया, मैं इसको ज़रा पानी में डाल दूँ और उसके बाद फिर हम आगे की वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा यार, आज की वीडियो के अंदर एक चीज़ तो आपको दिखाना भूल ही गया कि इनको हमने खाने में एक नई चीज़ दी है, और आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है भाई, ये हैं समझ लें किसके छिलके, मटर के छिलके। क्योंकि एक साहब ने लास्ट टाइम कमेंट किया था, भाई आप लोग कमेंट करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, जो भी सजेशन हो आप लोग कर दिया करें, कुछ ना कुछ तो उसमें से हम ज़रूर पिक कर लेते हैं। तो एक साहब ने मशवरा दिया था कि भाई इनको आप ये घर के जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना इनको भी बचा कुचा खिलाओ, ज़रा हटो ज़रा जगह देखने दो हमें, इनको ज़रा घर की जो सब्ज़ियाँ होती हैं बची कुची वो भी इनको डाल दिया करो, उनके छिलके विलके जैसे बकरियों को डालते, तो वैसे भी हमने इनको डालना शुरू कर दिया। और बट डालने की देर होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये आए, इन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो अब से भाई इनको ये सब्ज़ियों का वेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा, ज़रा कॉस्ट कम हो जाए, डेली का 100 रुपये के पड़ते हैं ये मुझे। और क्या कहते हैं, खाली बस वीडियो बनाने का काम आता है, और तो फिलहाल कोई काम शाम नहीं है इनका, लेकिन गैर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आपका अपना भी जो ना 1 किलो खून बढ़ जाता है, देखने किस तरीके से खा रहे हैं ये। तो भाई ये वाला मशवरा मेरे हिसाब से अच्छा लगा, और इनको भी ये मटर के छिलके दोनों अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं ना ये, तो होपफुली खर्चा भी बचेगा और काम भी दोनों अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके की क्या कहते हैं ट्रिप्स भी देते रहा करें यार, हमारे लिए भी आसानी है और अच्छा चलता रहेगा। अच्छा जी, तो भाई अब आ गए हैं अपने भूत बंगले यानी कि बटेरों के पास, और मैं आपको ज़रा खोल के दिखाता हूँ कि क्या हाल है इनका। हाँ जी, तो भाई इनका ये सीन है कि एक मिनट ज़रा मैं इस बल्ब को भी सेट कर दूँ ताकि ये वीडियो में भी तंग ना करे हमें और काम करते हुए भी चीज़ों को तंग ना करे, एक मिनट भाई। हाँ जी, बल्ब भी आ गया भाई। अब इनका ये सीन है यार कि इनका मैंने आपको कल दिखाया था, इनकी मैंने वैक्सीन तो कर दी है सबकी, अब जो है ना यार इनका टेम्परेचर थोड़ा सा मैंने चेंज करना था क्योंकि अभी बड़े हो गए, और आप देख रहे हो माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये तैयार होने वाले, और मैं सोच को जिस तरीके से रहा हूँ कि यार ये तब तैयार होंगे ना, तो उसमें से 20-30 शायद मैं देना, शायद देखें मैं कन्फर्म मैं नहीं सोच रहा, नंबर मुझे नहीं कह रहा कि 20 करूँ या 30 करूँ, लेकिन कुछ बटेर गिव अवे कर देते हैं किसी ना किसी के साथ। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि भाई क्या नंबर बनेगा, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और छोटा सा गिव अवे होगा फर्स्ट है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट होगा और स्टार्टिंग होगी, तो जो भी होगा ना कुछ सोचते हैं अभी इसमें, क्योंकि 20-25 दिन है अभी हमारे पास, ये जब तक है जब तक कोई टेंशन नहीं है, और जब हो जाएंगे तो उसके बाद यानी कि कुछ टाइम के बाद ज़रूर इस पर सोचेंगे। तो 15-20 दिन है इंशाल्लाह, पहले इस पर कुछ ना कुछ मैं सोचता हूँ कि कितने बटेर्स का ओके रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जेब पे भी यार ज़्यादा भारी ना पड़े, और एक वैसे ही गिफ्ट हो जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वॉच करते हैं मुझे यार, और बहुत ज़्यादा देर तक देखते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, और करना चाहिए या नहीं चाहिए, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से करें, कितना रखें, कितने बटेर रखें, सबके बारे में मुझे ज़रा बताएगा, तो हम इस पर भी एक छोटा सा काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टेम्परेचर का मैंने आपको बताया था भाई, टेम्परेचर आप देख रहे हो उसका क्या रखा हुआ है मैंने, जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो 30 है, तो 30 से मैं इसको और कम कर देता हूँ, और मैं इसको कर दूँगा ऑन एन एवरेज 29, ठीक है, यानी कि 29 से टेम्परेचर कम होगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है हमारा 31 है ना, तो 31 से भी कम कर देता हूँ मैं इसको, ओके ज़रा, हाँ बस, अब इस तरह टेम्परेचर है कि 30 से अप होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, और 29 से कम होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ये हमारा हीटिंग सोर्स का बल्ब है, क्योंकि बटेर आज ऑलमोस्ट 5-6 डेज़ के हो चुके हैं यार, आज फ्राइडे है, संडे को आए थे ये, अच्छा खासा इनको टाइम हो गया है, तो उस हिसाब से कि बस बहुत है,
इतनी केयर इनके लिए, इतना टेम्परेचर इनफ है, और उसमें ये खुद भी हैप्पी रहेंगे। और सीधी सी बात है यार, बल्ब का बिल आता है अच्छा खासा। मैंने घर वालों को कुछ बोला हुआ नहीं है, ऐसे बातें कुछ कह ही नहीं रहे, तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम फालतू में उसको यूटिलाइज़ करें। बल्ब देख रहे हैं आप, 100 वाट का मुसलसल जलता रहता है यहाँ पे, तो इसका बिल बनता है। तो इस बिल को बचाने के चक्कर में हमें इस काम को करना पड़ेगा। तो चलें, इस काम से तो निपट गए। मैं इनको फीड देख लूँ, इनके पास है फीड है इनके पास, और पानी भी देख लेते हैं एक दफ़ा, नज़र मार लें। पानी भी इनके पास है, पानी आप देख रहे हैं इतनी लाइन है, तो पानी भी इनके पास है। अभी जो दूसरी चीज़ है ना भाई, वो है हमारे ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पूरा का पूरा फ्लॉक। दुआ करें यार ये फ्लॉक जल्दी रेडी हो जाए, क्योंकि मेरे पे फीड के एक्सपेंस पड़ रहे हैं अच्छे खासे, और मैंने बस इसमें से कुछ माल निकालना है। अल्लाह खैरियत से निकलवा दे, क्योंकि ये माल तैयारी पर है, और इंशाल्लाह ताला 5 to 6 days में इसमें बिस्मिल्लाह होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा खासे साइज़ में आ गए हैं। पर इसके अंदर मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ, जो आपके लिए भी शायद नहीं हो, मेरे लिए भी थी। एक अंडे वाली मुर्गी, ये वही अंडे वाली मुर्गी है जो हमारे केजेस के अंदर थी, आपने नोट करी होगी, जो बाकी बर्ड्स के साथ थी। इसने भी अंडे देना शुरू किए हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि यार इसको मैंने बाकी मुर्गियों के साथ शिफ्ट कर दिया था, लेकिन बाकी मुर्गियों ने इसको इतना मारा कि इस बेचारी का तो ना एक ही दिन में ताज हिला दिया। और फिर उन्होंने शोर कर करके हम मुझे भी परेशान कर दिया कि देखो हमारे घर में कौन आया, क्या हिसाब किताब है। आपको उसका ताज दिखाऊँ ना अगर करीब से, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके ताज पर कितने निशान हैं। एक मिनट रुके, अगर ये रुक गई तो, क्योंकि अगर मैं इसके पास गया ना तो ये भाग जाएगी। देख रहे हैं आपको ताज पर निशान दिख रहे हैं, सीधी लाइन पड़ी हुई बेचारी के ताज के ऊपर बिल्कुल ही करीब में। तो इसके अच्छी खासी को बेचारी की पिटाई लगा दी, तो चक्कर में हमने इसको फ़िलहाल यहाँ पे कर दिया। अब मैं सोच ये रहा हूँ कि यार इसको यहीं पर एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ना इसके अंडे ज़ाया हो रहे थे, कि मैं वहाँ से पिक कर नहीं पाता, वहाँ से उठा के घर लाने में हल्का सोता जाहिर से बात है, तो अंडे जो ना ज़ाया जा रहे थे, तो इसीलिए इस मुर्गी को हम यहाँ लिया है। तो भाई इस तरह की मुर्गी किसी को चाहिए तो 1500 रुपये की पड़ेगी, और अगर क्वान्टिटी चाहिए होगी तो रेट हम और एडजस्ट कर देंगे। लेकिन बेहतरीन मुर्गियाँ अंडों के हिसाब से मेरी फेवरेट है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए जो मुर्गी अंडे देना वो बर्दाश्त हो जाती है, उसकी आप केयर भी कर सकते हो। लेकिन सपोज़ अगर कोई ऐसा बर्ड है जो सिर्फ खाता ही रहता है, तो एक टाइम के बाद बोझ लगने लग जाता है। तो चलें यार, मेरे को ज़रा दाना पानी डाल दूँ, क्योंकि इनके खाने का टाइम हो रहा है और लाइट भी जाने वाली है। इससे पहले पहले मैं तो उनको खाना डाल देता हूँ, उसके बाद इन केजेस वाले बर्ड्स को भी डालना है, क्योंकि इनको देखा हो ना ये कितने ज़्यादा भूखे हो रहे हैं, भूखे शेर हमारे। तो इन सबको ज़रा दाना डाल के आज की इस वीडियो करते थे हम एंड। अच्छा जी यार, मैं आपको कह रहा था कि फाउल पॉक्स के लिए भाई आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है कि ये हमारे बर्ड्स खैरियत से सही हो जाएं। क्योंकि देखें सीधी सी बात है ना, मैंने आपको वीडियोस के जब मैंने बनाना शुरू करी थी दोबारा से, यानी कि पहले मैं बनाता था 2018-19-20 में, तो उस टाइम पे अच्छी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आते थे, सेम ऐसे ही व्यूज़ आते थे, बल्कि इससे भी अच्छे आते थे। अभी तक मेरी कोई भी वीडियो लाख तक नहीं गई, उस टाइम पर जाती थी। तो ऐसा था कि भाई मैंने बनाना सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि मुझे डर लगने लगा था कि भाई नज़र लग जाती है बर्ड्स को, और सेम अब वैसे इनके साथ हो रहा है। तो दुआ करनी है आप लोगों ने कि भाई नज़र भी ना लगे, पहली बात तो माशाल्लाह कर दिया करें कमेंट में यार, मेरे लिए आसानी है। दूसरा भाई आप लोगों ने दुआ करनी है कि ये बर्ड्स हमारे सारे के सारे खैरियत से सही हो जाएं, क्योंकि दो रीज़न है यार। एक तो देखें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है बंदे की इस बर्ड्स को इस लेवल पे लाने के लिए, इतना बड़ा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा किस्म की मेहनत होती है। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि सिर्फ मेहनत नहीं, एक इन्वेस्टमेंट होती है, एक उम्मीद होती है, एक जैसे कहते हैं ना भरम होता है इंसान का, तो वो सारी चीज़ें अल्लाह बस हिफाजत में रखे। तो दवाई करना हमारा काम होता है, लेकिन बर्ड का सही होना जो ना ये सिर्फ़ और सिर्फ रब के हाथ में होता है कि जो आपका बर्ड है वो सही हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। तो दुआ आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर करनी है, और कमेंट में मुझे बताना है कि भाई कि इंशाल्लाह ताला हमारे बर्ड्स जल्दी से सही हो जाएं, तो कम से कम जो एनर्जी है ना वो वापसी आ जाएगी, वरना सुबह से एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डाउन डाउन थी। तो भाई आज की इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ही एंड, और सारे काम हो गए सैनी के। अच्छा जी भाई, काम सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, और आज की इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड, क्योंकि भाई इन्होंने जो ना बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। उसका रीज़न सारा ये है कि बस खाना दलते हुए इनकी जो जोश आता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाला आ जाता है। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर कोई भी हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना चाहता है, तो भाई अभी अगेन डिस्काउंट है 50%, ऑलमोस्ट 60% ऑफ मिल सकता है आपको हमारे कोर्स पे। एक्चुअल प्राइस आपको पता था कि 4000 थी, तो हमने उसको डिस्काउंटेड करके 2500 कर दिया था। तो 1 January से पहले पहले अगर कोई भी बाय करता है तो उसको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा, और अभी उसको 1500 rupees का कोर्स पड़ेगा। तो जिसके अंदर हमने ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं, उसके साथ साथ वो कोर्स जो है वो वीडियो फॉर्म में गूगल लेक्चर के ऊपर अपलोडेड है। तो बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको वो कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ आपको गाइड भी करेंगे अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं। जैसे कि एक साहब थे, उनके पास फाउल बॉक्स का मसला आया हुआ था, तो भाई उनको हम बताएंगे आज कि ये फाउल बॉक्स का मसला है, हर तरफ आया हुआ है। तो इस तरीके से कंसल्टेशन भी साथ साथ होती है कि आपके बर्ड्स की आप अपनी हेल्थ वगैरह मुझसे डिस्कस करते हैं ना, तो एक अच्छा जिसे कहते हैं ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सस्ती मेडिसिन में आपका अच्छा काम होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो।
तो बस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, और अगर आपको कोई भी बात कहनी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। और पॉसिबल होना शुरू करेगा तो अब से दोबारा से कि आपको जो भी मेरी करंट वीडियो होगी उसके ऊपर आपको रिप्लाई मिलेंगे हर कमेंट के ऊपर। तो वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।